नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, बहुत सारे जो है आपने अपना नंबर शेयर किया है, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, वो पूछ रहे थे सर क्या हो सकता है, कट ऑफ प्रिपरेशन करे या नहीं करे, क्योंकि वही हो जाता है, मार्क्स इतना है, क्या कर सकते हैं अभी। तो चलो देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है। और उसके साथ जो है मेरा हमेशा सभी को एक सजेशन हमेशा रहता है, देखो कभी भी कोई प्रिपरेशन ज़ाया नहीं जाता, अगर आप अभी डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तो आप ज़रूर जो है डिस्क्रिप्टिव के साथ दूसरे एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टायर वन का कट ऑफ क्या था। तो देखो टायर 16 की तुलना में हम लोग अगर बात करें, क्योंकि टायर 2016 एंड 2017 की वैकेंसीज जो है ऑलमोस्ट सेम, या 2017 की थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है, थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा हो सकता है। तो देखो 2016 में टायर वन में जो कट ऑफ था वो 137 था, तो ऑलमोस्ट 10 नंबर कम होकर 2017 में वो कट ऑफ फिक्स हुआ है। वही हिसाब से हम लोग अगर ओबीसी की देखें तो आपका जो 125 से 110 हुआ है, मतलब 15 नंबर कम हुआ है। एससी का 114 से 98 हुआ है, एंड 103 से 188.50 आपका जो हुआ है एसटी का। अगर हम लोग देखें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ आपके सामने आ रहा है, जहाँ पे हम लोग देखो 2000 पहले 16 की देख लो, 2016 जो अदर पोस्ट है, मतलब आपका इंस्पेक्टर पोस्ट छोड़ के, सीएसएस वो सब छोड़ के जो अलग जो पोस्ट है उसमें 422 गया था, जनरल का 397, ओबीसी किया गया था, एससी का 363.25 गया था, और एसटी का 341 गया था, ठीक है, और सीएसएस के लिए 444.50 ओबीसी का, 389 एससी का, एंड 370 आपका एसटी का, ठीक है। तो वो हिसाब से अगर हम लोग मार्च करें, देखो यहाँ पे क्यों कट ऑफ फिक्स हुआ है, दो मैं आपको बोलूँ। एक तो आप देखोगे मैथ्स इस बार जो यूजुअली 160-170 एवरेज स्कोर होता था, स्टैंडर्ड स्कोर होता था, इस बार वो आ गया है 140-145 या 150, आप मान लो 140-150 के बीच में आ गया। ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे 30-35 मार्क्स का जो सभी बच्चों का जो है ऑलमोस्ट मैथ्स के लिए डाउन हुआ है। वही अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश लास्ट ईयर और दिस ईयर एकदम सेम था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो कट ऑफ जो आप अगर आप देखोगे तो इसी चक्कर में एक तो आपका टायर वन का मार्क्स कम फिक्स हुआ है, एंड आपका टायर टू का जो है मैथ्स टफ था। तो वही वजह से अगर मैं बोलूँ, अगर एकदम आप ये भी चलो तो 375 से 390 जनरल का जा सकता है, ओबीसी का 360 से 375, एससी का 310 से 325, एंड एसटी का 300 से 315, ठीक है। तो देखो ये 10%, देखो ये हम लोग एक्सपेक्टेड बनाते हैं, एनालिसिस के ऊपर बनाते हैं, तो मेरा हमेशा रहता है इसमें आप एटलीस्ट 10% ऊपर भी जा सकते हैं, 10% नीचे भी जा सकता है। तो कोई भी अगर आपका 10% नीचे भी है, प्रिपरेशन करो मेरे गाइस, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। प्लेलिस्ट बना हुआ है डिस्क्रिप्टिव में, वहाँ पे जाके आप देखो, बहुत सारे जो है एसएससी की प्लेलिस्ट बना हुआ है वो, एंड जो है बाद में मैं अभी भी अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि ये आप ज़रूर प्रिपरेशन अभी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये देखो कट ऑफ हो सकता है। वैकेंसीज की बात करें 2016 में देखो 10661 वैकेंसीज था, वही आपका 17 में अभी जो वैकेंसी है दैट इज़ 8089, और जो एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे जो है पोस्ट इंक्लूड हुए हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का हुआ है, बाकी और कुछ नए पोस्ट जो इंक्लूड हुए हैं उनका वैकेंसीज अभी तक आना बाकी है, और बाकी बहुत सारे। तो देखो वैकेंसी भी बढ़ेगा, और पेपर मैथ्स का डिफ़िकल्ट से मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल हो था, और टायर वन में भी कट ऑफ था, तो ये आपका बढ़ के आ रहा है, एक्सपेक्टेड है। अगर इससे आपको थोड़ा मार्क्स कम भी है, ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर इसके थोड़ा आपको 10% मार्क्स कम भी है तो मेरा हमेशा सजेशन है आप ज़रूर प्रिपरेशन करते रहो। अच्छा, हम लोग अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो लास्ट बार था 536 जनरल का था, ओबीसी के लिए 493.75 था, एससी के लिए 454 था, और एसटी के लिए 427 था, ठीक है, इसमें कॉमर्स पेपर 200 नंबर मिला के। तो इस बार क्योंकि देखो कॉमर्स पेपर इस बार जो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स पेपर वो भी लगभग अच्छा डिफिकल्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल था, मगर आप अच्छे से अगर नहीं पढ़े होगे तो आपका जो है नहीं निकलेगा। तो उसीलिए उसमें मार्क्स अगर आप घटाओगे, एंड आप जो मैथ्स का मार्क्स घटाओगे, तो जनरल का जो निकल के आ रहा है वो 470 से 485, ओबीसी का 435 से 450,
एससी का 395 से 410 एंड एसटी का 4365 से 380। तो अगर आपका इसमें रेंज में आता है तो ज़रूर प्रिपरेशन करो, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर आपका 10-20% कम भी आता है तो आप प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव का ज़रूर करो, ये डिस्क्रिप्टिव या प्रिपरेशन बाद में आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा गाइस, ठीक है। तो चलो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड।